दोस्तों लिवर डिजीज यानी लिवर पे फैट आ जाना, फैटी लिवर का हो जाना अक्सर हम में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, क्योंकि आजकल के समय में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खास होती जा रही है। हर दिन हर किसी को हमें सुनने को मिलता है आसपास के लोगों से, या हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही होती है जो हम फेस कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हमें फैटी लिवर की समस्या हो गई है, खाना ठीक से पच नहीं रहा होता, खट्टी टिकारें हो रही होती है, हाथों पैरों में जलन होता है, सूजन आने लगती है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ इस तरह के सिम्टम्स लेकर। आपको डॉक्टर कुछ टेस्ट करने को बोलता है और रिपोर्ट देखकर बोलता है कि आपके लिवर जो है वो फैटी हो चुका है। क्या घर पर हम इसका इलाज कर सकते हैं, नेचुरली इसको क्योर कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर डॉक्टर्स के चक्कर लगाने लगे किसी भी बीमारी को लेकर तो बीमारी का तो पता नहीं लेकिन जेब जरूर खाली हो जाएगी। और साथ ही साथ जो एलोपैथिक दवाइयां जो होती हैं वो आपके शरीर की एक बीमारी को तो दूर करती हैं और लाखों बीमारियां आपको और कर देती हैं इन फ्यूचर के लिए। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूं जो बहुत ज्यादा बीमारी कॉमनली स्प्रेड हो रही है और उससे कैसे नेचुरल तरीके से हम बच सकते हैं घर बैठे बैठे कुछ चीजों का इस्तेमाल कर। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, फटाफट से वीडियो को सेव कर लो और जमकर शेयर कर दो। दोस्तों फैटी लिवर यानी लिवर पे जो डिजीज एक प्रॉब्लम है, कंडीशन है, ये बेसिकली इसमें क्या होता है, लिवर सेल्स में एक्सेसिव फैट डिपॉजिट हो जाता है और ये दुनिया भर के करोड़ों लोगों के अंदर पाया जाता है। तो अगर इसका टाइमली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आगे चलकर ये सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन जैसे कि लिवर इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस, यहाँ तक कि एक ऐसा परमानेंट लिवर डैमेज हो जाता है जो कि फिर ठीक नहीं हो सकता। इसलिए लिवर अगर आपका फैटी हो चुका है तो उसको अर्ली स्टेज में ही एड्रेस कर लेना चाहिए और जब पता लग जाए तो उसका इलाज तुरंत शुरू कर देना चाहिए। वैसे तो डाइट और लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस कर इसको रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन आज मैं ऐसी ही कुछ चीजें लेकर आई हूँ आपके लिए जिनका आप घर बैठे बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लिवर को पूरे तरीके से डिटॉक्स कर सकते हैं, यानी जो उसके अंदर गंदगी जमा हो गई है, फैट डिपॉजिट हो गया है, उसको अपने शरीर से बाहर कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लिवर को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला जो सोल्यूशन है वो है एक ग्लास गन्ने का जूस। जी हाँ, अगर आप लगातार 15 दिन तक गन्ने का जूस पीते हैं तो ये स्टडी में भी क्लियर हो चुका है कि गन्ने का जूस लिवर के लिए एक मेडिसिन का काम करता है। इसलिए तो डॉक्टर्स भी जब जॉन्डिस होता है तो गन्ने का जूस पीने की सलाह देते हैं। गन्ने के जूस में जो मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो लिवर को सारी गंदगी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं और आपका जो लेवल है यानी आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी कंट्रोल करके रखते हैं। अगर आप इसमें अदरक नींबू का रस मिला लें तो उसका और ज्यादा फायदा बढ़ जाता है। आप गन्ने के जूस को ब्रेकफास्ट में यानी ब्रेकफास्ट से एक घंटा पहले पी सकते हैं या फिर लंच के 3-4 घंटे बाद सूरज ढलने के बाद आप इसे अवॉइड करें। वैसे भी गन्ने का जूस आसानी से पूरा साल बिल्कुल मिल जाता है। नेक्स्ट जो आपने लेना है, सेकंड चीज जो आपने लेनी है, मैं टोटल आपको 3 चीजें बताऊंगी। सेकंड चीज आपने जो लेनी है वो है हल्दी वाला पानी, जिसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च ऐड करेंगे, जो रात को सोने के समय आपने लेना है। यानी आपने एक बर्तन लेना है, उसमें 2 ग्लास पानी डालना है और आपने उसमें 1/4 स्पून डालना है हल्दी। जी हाँ, और साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी बिल्कुल चुटकी सी काली मिर्च, क्योंकि जो हल्दी में करक्यूमिन होता है बेसिकली वो एक्टिवेट ही तब होता है जब हम उसमें काली मिर्च ऐड करते हैं, ठीक है। और करक्यूमिन एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके लिवर को डिटॉक्स करने का काम करता है, उसकी जो भी गंदगी उसमें जमा हो गई उसको बाहर करने का काम करता है। तो ऐसा आपने कितने दिन तक लेना है, 1 वीक तक आपने इस पानी को लेना है, ठीक है। आप फर्स्ट ऑप्शन भी ले सकते हैं, सेकंड ऑप्शन भी ले सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है। आप उन तीनों चीजों में से कोई भी चीज अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आपका लिवर अच्छे से डिटॉक्स हो जाएगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिलैक्स हो पाएगी, ठीक है। लेकिन अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज कर लेंगे और अपने लिवर को डिटॉक्स तो कर लेंगे लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक कैसे सही रहेगा, आप दोबारा से वो गलतियां ना करें तभी वो बेटर चल पाएगा। नहीं तो लिवर पे फैट आता रहेगा, आपको कई बार पता भी नहीं चलेगा और आपको उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है। थर्ड चीज क्या है जो आयुर्वेद में बहुत ज्यादा मशहूर है, वो है कुटकी। लिवर के लिए बेस्ट हर्ब मानी गई है। एक स्टडी में चूहों की बॉडी में लिवर डैमेज एजेंट को इंजेक्ट किया गया, फिर थोड़ी सी देर तक उनको देखा गया, लिवर काफी हद तक उनका हील हो चुका था। कुटकी इतनी इफेक्टिव है कि लिवर की काफी जो सीरियस प्रॉब्लम होती है उसे भी जो प्रिस्क्राइब करी जाती है, डॉक्टर कहते हैं कि आपका लिवर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, ऐसी सिचुएशन में भी वो आपके लिवर को ठीक कर देती है, साफ कर देती है। आपको इसका आधा छोटा चम्मच कुटकी पाउडर का लेना है शहद के साथ, आधा चम्मच आप शहद ले लीजिए, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ब्रेकफास्ट से एक घंटा पहले 15 दिन लगातार लें, आपके लिवर फिर से खड़ा हो जाएगा, यानी आपका लिवर जो जितनी भी प्रॉब्लम है लिवर में वो सारी दूर हो जाएंगी। ये तीनों रेमेडीज बहुत ज्यादा असरदार हैं, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। 15 दिन लगातार करें दोनों रेमेडीज, एक आपको मैंने बताई है 1 वीक तक वो करें, उनमें से कुछ भी चीज कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ, जब आप इसको ले रहे हैं तो ऐसे टाइम में आपने बाहर का जंक फूड अवॉइड करना है, क्योंकि लिवर पे जो फैट आता है वो एक्सेस ऑयल की वजह से, या हम बहुत ज्यादा घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में बहुत ज्यादा तेल डाल रहे हैं सब्जियों में, तो वो आपके लिवर को ब्लॉक कर देता है, या चिप्स खा रहे हैं, पैकेट बंद जूसेस पी रहे हैं, जो भी अनहेल्दी चीजें जितनी भी हम खाएंगे आपका लिवर उसको बहुत ज्यादा स्टक हो जाएगा, उस पे बहुत ज्यादा परत जम जाएगी, जिससे कि आपका लिवर बिल्कुल ब्रीथ ही नहीं कर पाएगा और उस पे फैट स्टोर होना स्टार्ट हो
हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए कहा जाता है कि हमेशा हमेशा आप हेल्दी चीजें इनटेक करें, खाने के बीच में गैप रखें, खाने को अच्छे से चबा कर खाएं, और सोने और खाने के बीच में कम से कम 3-4 घंटे का गैप मेंटेन करें, ताकि हमारे ऑर्गन्स अगर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी चल रही है तो वो क्या करते हैं, अपने आपको खुद से रिपेयर करते हैं रात के समय। तो जब आप खाना खाते हैं लेट नाइट तो वो अपने आपको खाने को पचाने में लग जाते हैं, अपने शरीर को, हमारा शरीर जो है ऑर्गन्स को अच्छे से साफ ही नहीं कर पाता, तो ऐसे टाइम पे आपको प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। इसके अलावा मेथी दाना, अदरक और गुड़ भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है लिवर के लिए, ठीक है। फलों में आप अंगूर, नाशपाती, नींबू, नारियल, आंवला, ये सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। और साथ में आपने चोखर वाला अनाज लेना है, यानी जो आप आटा ले रहे हैं वो चोखर वाला खाना है, उसको छान कर नहीं खाना। हरी पत्तेदार सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लिवर को क्लींस करते हैं। बीटरूट और गाजर का जूस सर्दी का टाइम आप बना लीजिए कि आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके पीना ही पीना है, जो आपके लिवर को बिल्कुल अच्छे से डिटॉक्स करता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ऐसी कुछ नया चीज देखना चाहते हैं तो अपनी शो को बहुत सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। थैंक यू।